भाइयों, मैं मोहित विष्णु, आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज अपने वीडियो के अंदर भाई तीनों बुलेट है, जो BS6 वाली है एंड अपनी वाली है, जो अपने BS6 से BS3 के अंदर कन्वर्ट करा ली वैसे तो, लेकिन ये दोनों अपने BS6 वाली है एंड तीनों के बीच में अपन आज कंपेरिजन करेंगे भाई कि तीनों अपने क्या क्या अपने इन चीज़ों के अंदर मॉडिफाई वगैरह इसके अंदर करा रखा है एंड क्या क्या नहीं करा रखा। तो भाई ये दोनों बाइक है वो स्टॉक है, आप देख सकते हो EFI यहाँ पर भी लिख रखा है, यहाँ पर भी अपने EFI लिख रखा है एंड मेरी वाली पर भी EFI आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो भाई तीनों ही अपने BS6 वाली है, लेकिन मैंने भाई BS3 के अंदर कन्वर्ट करा ली। कार्बोरेटर आपको लगा हुआ दिख रहा होगा, इन दोनों को भाई स्टॉक रखा हुआ है आज तक, कुछ भी चेंज नहीं कराया हुआ, ना भी इसके अंदर साइलेंसर चेंज है ना कुछ और चेंज है। तो भाई ये अपने बुलेट है तीनों एंड तीनों ही अपने 2021 मॉडल, एक साइड तक 20 मॉडल होनी चाहिए मेरे हिसाब से। एंड इसके अंदर भाई अगर हम बात करते हैं, एक चीज़ मेरे को बढ़िया लगी भाई, इसके अंदर अपने नीचे यहाँ पे सेल्फ वाला ऑप्शन मिल जाता है एंड इधर अपन बात करें इसके अंदर एंड मेरे वाले के अंदर, दोनों के अंदर भाई सेल्फ अपने इंस्टॉल नहीं करा सकते बाहर से, लेकिन इसके अंदर भाई एक ऑप्शन है भाई, अगर सेल्फ इंस्टॉल कराना चाहें तो करा सकते हैं। तो भाई अब बात कर लेते हैं भाई अपने कि भाई चीज़ें क्या क्या मॉडिफाई करा रखी है अपन ने एंड इसने क्या क्या स्टॉक रख रखी है। तो भाई सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई मेन चीज़ बुलेट है तो अपने सबसे पहले भाई साइलेंसर एंड बैंड पाइप चेंज होती है, तो भाई इसको भी स्टॉक रख रखा है एंड इसको भी स्टॉक रख रखा है एंड अपनी वाली है वो पूरी अपन ने चेंज करा रखी है। तो ऐसा कुछ अपन ने साइलेंसर लगा रखा है भाई, मिनी पंजाब बोलते हैं इसको या फिर शॉर्ट बोटल बोलते हैं एंड इनके अपने स्टॉक है तीनों को। लास्ट में स्टार्ट करके भी सुनाऊंगा भाई आवाज़ कैसी आती है तीनों की, स्टॉक की कैसी है एंड अपने वाली कैसी है। तो भाई ये अपन ने साइलेंसर की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं भाई अपने इनके अलॉय व्हील्स की। तो भाई इन दोनों के जो बाइक हैं, इस बाइकों के अंदर भाई दोनों के अंदर ही अपने रिम लग रखे हैं अपने नॉर्मल वाले ताड़ी वाले एंड अपने जो है अलॉय व्हील्स लगा रखे हैं साथ में, तो अपने थोड़ी लुक इन्हेंस होती है इससे। भाई लेग गार्ड अपने तीनों के अंदर लग रखा है, इसके अंदर ब्लैक लग रहा है, उसके अंदर भी ब्लैक लग रखा है, उसके अंदर अपने सिल्वर लगा रखा है क्योंकि भाई सिल्वर पे अपने सिल्वर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब क्रोम टाइप में पूरा इंजन भी क्रोम हो गया, ये भी क्रोम हो गया तो साथ में पूरा अच्छा लगता है। ब्लैक थोड़ा अजीब लगता है, अगर ब्लैक इंजन वाली होती है ना भाई इलेक्ट्रिक वाली तो भाई अच्छा लगता फिर भी। अब बात करते हैं भाई अपने नेक्स्ट चीज़ की, नेक्स्ट भाई इसके अंदर अपने चेंज करा रखा है रियर वाला टायर। रियर वाला जो टायर आप देख सकते हो, इसका जो सेक्शन है वो अपने 3.25 करके कुछ अपने साइज़ मिलता है, इसका भी कुछ ऐसा ही है, मतलब 90 कुछ इसकी साइज रहती है दोनों टायरों की एंड अपन ने जो है टायर चेंज करा के थोड़ा ब्रॉड डला रखा है जिससे अपने को काफ़ी एक अच्छी हैंडलिंग भी मिल जाती है एंड थोड़ा टायर कर्व के अंदर मिल जाता है एंड ये वाला टायर है वो एकदम स्ट्रेट मिलते हैं दोनों, तो इसके अंदर अपने थोड़ी बाइक को टेढ़ी करके नहीं निकाल सकते, इसके अंदर अपने टेढ़ी करके इजीली एकदम बाइक को निकाल सकते हैं एंड चला सकते हैं। रियर के अंदर अपन ने कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करा रखा, नंबर प्लेट है अपने सबकी अपन ने अलग अलग हिसाब से लगा रखी है ऐसी कुछ दिनों के सारों की, पीछे के अपने व्यू हो गया, पीछे अपने कोई चेंज नहीं है एंड इसके अंदर अपने कुछ ऐसा ग्रैब हैंडल आता है स्टैंडर्ड के अंदर, लेकिन भाई मैंने भी 18 रखा है, इन्होंने भी 18 रखा है दोनों ने, क्योंकि यार ऐसे बिना हैंडल की थोड़ी ठीक लगती है एंड हैंडल लगा होता है तो भाई तीन चार बंदे लटक जाते हैं तो बाइक दबती है, बाइक पर प्रेशर भी पड़ता है, तो अपन ने हैंडल 18 रखा है। तो ये होगी अपने यहाँ की बात। अब बात कर लेते भाई अपने नेक्स्ट चीज़ की, नेक्स्ट भाई अपने अगर बात करें अपन, तो भाई इन्होंने टैंक पर ये बनवा रखा है जो कि अपने को काफ़ी लुकिंग वाइज अच्छा और प्यारा लग रहा है, इसका भी अच्छा प्यारा लग रहा है, लेकिन अपन ने भाई कुछ नहीं बनवा रखा, अपने सीधी और सिंपल सोबर पड़ी है। साइड में अपन ने डियर का लोगो बना रखा है भाई एंड यहाँ पे अपन ने सिद्धू का लगा रखा है इन भाई ने, और इस वाली पे भी अपन ने कोई लोगो वगैरह कुछ भी इन्होंने लगा नहीं रखा है, पूरी स्टॉक बना के रख रखी है इन्होंने। अब बात करते हैं भाई अपन ने फ्रंट के अंदर, तो फ्रंट से अपन अगर बात करें तो फ्रंट के अंदर भाई इस बाइक के अंदर अपने को लाइट मिल जाती है जो अपने हेलोजन मिलती है, इन्होंने स्टॉक रख रखी है एंड इन्होंने भी अपनी स्टॉक रख रखी है एंड अपन ने लाइट LED लगा रखी है एंड भाई वाकई के अंदर HJG की जो लाइट है इनका जो रिस्पॉन्स है भाई मेरे हिसाब से, अगर कार भी खड़ी कर देना कोई हेलोजन लाइट वाली, चाहे नई वाली क्रेटा किया सोनेट कुछ भी ले आओ आप, इसके आगे उसकी लाइट फेल है पूरी, इसकी लाइट एकदम भाई बढ़िया पड़ती है अपने को। एंड नंबर प्लेट थी भाई मेरी आगे फ्रंट वाली, अपन ने दूसरी बना रखी थी लेकिन भाई ये आज टूट गई, मैं टायर चेंज करा था उस टाइम में। अब बात कर लेते भाई हॉर्न्स की, तो मैंने भाई रूट्स के ओरिजिनल मेगासोनिक हॉर्न्स लगा रखे हैं एंड इनके अंदर भाई वही कंपनी वाले ओरिजिनल स्टॉक फिटेड हॉर्न्स लग रखे हैं, कोई इन्होंने इसके अंदर भी चेंज नहीं करा रखा। तो ये भाई अपने टोटल मॉडिफिकेशन की बात हो गई एंड मेरे हिसाब से इसके अलावा कुछ बचा नहीं होगा भाई, जैसे आपने पिछली वीडियो के अंदर भी देख लिया होगा भाई अपन ने कार्बोरेटर लगवा रखा है BS3 के अंदर कनाडो करा ली एंड इनके अंदर नहीं लगवा रखा, तो इनके अपने नॉर्मल मिल जाती है, लेकिन भाई मेरे को इसके अंदर एक चीज़ अच्छी लगी भाई सेल्फ वाली, अगर मेरी वाली के अंदर भाई ऑप्शन होता ना भाई तो मैं पक्की सेल्फ लगवा लेता, लेकिन यार मेरी वाली के अंदर ऑप्शन भी नहीं है ना इसके अंदर है भाई, बाकी मैं लगवाता ज़रूर भाई अगर होता ऑप्शन तो। एंड ये कुछ अपने तीनों का लुक है भाई, आप देख सकते हो भाई अगर मॉडिफाई करा के रखते हैं तो भाई कैसा इसका कुछ लुक आता है एंड स्टॉक रखते हैं तो इसका अपने कैसा कुछ अपने को देखने को लुक मिल जाता है। तो ये अपने दोनों स्टॉक हो गई एंड ऐसा कुछ इनका लुक अपने को देखने को मिल जाता है। बाकी भाई यही था अपने कंपेरिजन वीडियो, सारा अपने लगभग सेम ही है पूरी चीज़ें, बाकी मैंने एक छोटा मोटा कुछ चेंज चीज़ें करा रखी है भाई, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ BS6 से मैंने अपने BS3 कराई है, तो भाई इसके अंदर अपने को यहाँ पे एम्प मीटर देखने को मिल जाता है एंड
इनके अंदर अपने को कोई एमीटर देखने को नहीं मिलता। तो इनके अपने नॉर्मल वाला ये फ्यूल इंजेक्टर वाला एबीएस वाला सेंसर आता है, अपने एबीएस सेंसर वगैरह सब कुछ हट चुके हैं, वही अपने स्टॉक हो गई। एंड रियर लाइट मैंने वो लगा रखी है भाई एलईडी वाली, तो भाई ब्लिंक करती रहती है थोड़ी बहुत। एंड इनके अंदर पूरी स्टॉक वाली है, तो भाई ये अपने हैलोजन बल्ब आता है इनके अंदर। तो ये भाई एक छोटा सा कुछ अपना अलग चीज़ है, बाकी तो भाई लगभग पूरी ऑल टोटल चीज़ें सेम ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं दो तीनों के अंदर। तो भाई यही था अपना वीडियो, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना भाई, एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई नेक्स्ट अपने व्लॉग कैसा और कौन सा बनाए। थैंक यू भाई।